हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, स्पिरिट से बनाई जा रही थी शराब, भारी मात्रा में सामान व स्पिरिट बरामद। आबकारी निरोधक दल ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना अंतर्गत बीआर बिरला स्कूल के सामने नेहरू नगर स्थित बंद मकान में दबिश देकर स्पिरिट से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। वहां से 49 ड्रम में 2400 लीटर स्पिरिट, 12000 खाली बोतलें, दो बारों में हजारों ढक्कन बरामद हुए। आबकारी थाना पश्चिम के प्रभारी नितिन दवे के अनुसार मकान में स्पिरिट से नकली शराब का गोदाम होने की सूचना पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 50-50 लीटर स्पिरिट से भरे 49 ड्रम मिले, साथ ही हजारों ढक्कन, प्लास्टिक के 12000 खाली बोतलें, 555 ब्रांडेड शराब के मेड इन चंडीगढ़ छपे हजारों लेबल, एसेंस व रंग की बोतलें जब्त की गई। मामले में जसवंत सिंह, इंदिरा व भवानी सिंह के साथ मकान किराए पर लेने वाले भोम सिंह को नामजद किया गया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए चौपासनी स्थित मकान में दबिश दी गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। मौके पर लोहे का भारी भरकम दरवाजा और उस पर ताला लगा था। मकान मालिक को बुलाकर ताला तोड़ा गया। शराब बनाने की भनक आसपास के लोगों को ना लगे, इसलिए दरवाजे को कपड़े से ढका गया था ताकि कोई अंदर झांक ना सके। जांच में पता चला कि भोम सिंह ने 8-9 माह पहले ये मकान 8000 रुपए किराए में लिया था। जसवंत सिंह व भवानी सिंह स्पिरिट निर्मित शराब बना रहे थे। दबिश के दौरान मकान मालिक मसूरिया निवासी दिलावर खान ने भोम सिंह के नाम का किराया नामा पेश किया। श्रीमान आबकारी आयुक्त साहब के निर्देशानुसार स्पेशल ड्राइव चला हुआ है आबकारी निरोधक दल की तरफ से और आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब और स्पिरिट निर्मित शराब और बाहर राज्य के शराबों के विरुद्ध। उस सिलसिले में आज हमने मुखबिर की सूचना पर 52 नेहरू नगर में यहाँ पे तलाशी ली थी और यहाँ पर हमको 49 ड्रम स्प्रिट के बरामद हुए हैं और 12000 के आसपास बॉटल्स हैं, दो बड़े बोरे ढक्कनों के हैं, प्लस लेबल और एसेंस वगैरह, काफ़ी स्प्रिट से नकली शराब बनाने का काफ़ी बड़ा जखीरा हमने दस्तियाब किया है और इसमें जो सस्पेक्ट के नाम भी आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्दी उनको दस्तियाब कर मुकदमा दर्ज कर उनको दस्तियाब कर कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।